हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल विक्की ब्लॉग्स में। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक ऐसी प्रॉपर्टी जो 80 गज में बना हुआ है और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। चलिए देखते हैं आज की प्रॉपर्टी। वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको मकान दिखाने वाला हूँ, ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनका मकान है। उन्होंने ये बनाया है बिना किसी नक्शे के, यानी कि विदाउट किसी आर्किटेक्ट की हेल्प से। इन्होंने नक्शा खुद तैयार किया है इसका, वो भी कैसे आप यकीन नहीं मानेंगे। इन्होंने यूट्यूब की हेल्प ली है, यूट्यूब से इन्होंने वीडियो देखी है, वहीं से इन्होंने नक्शा लिया है। और इस मकान का जो साइज़ है उसकी बात करूँ मैं, ये 80 गज का मकान है, 22x38 इसका साइज़ है। आइए देखते हैं ये मकान इन्होंने किस तरीके से तैयार किया है। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, काम अभी चल ही रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं मकान इन्होंने किस तरीके से बनाया है और किस तरीके से डिजाइन किया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मकान का फ्रंट 22 फुट का है और उसके अकॉर्डिंग ही 8 फुट का मेन एंट्रेंस दिया है और सामने गैलरी है। गैलरी के स्पेस की बात करें तो आपकी 4-व्हीलर एंड 2-व्हीलर को आप इजिली पार्क कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही आप मकान में एंट्री करते हैं, राइट हैंड साइड पर फर्स्ट फ्लोर के लिए आपको स्टेयर्स मिल जाएंगे और स्टेयर्स के ठीक नीचे कंबाइंड वॉशरूम दिया है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मकान अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। राइट हैंड पर पहला रूम है और जिसको एज ए आप गेस्ट रूम भी बोल सकते हैं। रूम में एंट्री के लिए आपको 2 गेट मिलेंगे, एक जिससे मैंने एंट्री की है और दूसरा आपके ठीक सामने है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं गैलरी के ठीक सामने हमारा मॉडर्न किचन को डिजाइन किया गया है और किचन के जस्ट बराबर में हमारा मास्टर रूम है जिसका साइज 12x12 लिया गया है। मास्टर रूम और गेस्ट रूम के बीच में एक कंबाइंड वॉशरूम भी दिया गया है। चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे और देखते हैं फर्स्ट फ्लोर को किस तरीके से तैयार किया गया है। फ्रेंड्स, फर्स्ट फ्लोर पे आप देख सकते हैं बालकोनी के लिए एक स्पेस भी निकाला गया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर को भी सेम ग्राउंड फ्लोर की तरह ही तैयार किया गया है। सामने ओपन किचन है, उसके बराबर में रूम है और जस्ट उसके बराबर में कंबाइंड वॉशरूम है और ये रूम जो जैसे कि नीचे ग्राउंड फ्लोर पर भी था। फ्रेंड्स, जैसे कि हमारी मकान के ऑनर से बात हुई है, अभी तक इस मकान को तैयार करने में उनके 12 से 13 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं और अभी लाइट फिटिंग, कलर पीओपी, किचन, वॉशरूम, बालकोनी और छोटे मोटे काम के लिए वह 2 से 3 लाख रुपए और इन्वेस्ट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं मकान के टॉप फ्लोर पर और आप देख सकते हैं टॉप फ्लोर पर एक साइड में बालकोनी है। देखते हैं बालकोनी से बाहर का व्यू। फ्रेंड्स, टॉप फ्लोर पर आपको ओपन रूम भी दिया है, साथ में कंबाइंड वॉशरूम भी है और दूसरी साइड में खुली हुई छत है। सिक्योरिटी पर्पज से ग्रिल का यूज किया गया है। फ्रेंड्स, आपको मकान कैसा लगा आप कमेंट्स में बता सकते हैं। यदि आप कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में बता सकते हैं। आप भी इस नक्शे को यूज़ कर सकते हैं या फिर YouTube की हेल्प से वहाँ से अच्छे नक्शे ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं आपके लिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियो इसी तरह लाता रहूँगा। थैंक यू।